सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त शाहजेब उर्फ शाहजेब पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रसूलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे, निशानदेही पर मृतक के ई रिक्शा की बैटरी, मृतक के कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पासबुक भी बरामद की है। मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर किया। मृतक है, उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद, वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर, और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई, इस सूचना पर उनके जो परिजन आए उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफ़ी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर, उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहाँ से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहाँ से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस से स्थिति में आकर खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था, जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल, और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजेब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साजेब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में, और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास। उसके बाद ये ठेके से शराब लेते हैं, अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है, और जब साई मंदिर के पास जो झाड़ियां हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहाँ पर, और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजेब और इसका जो मित्र है सुहेल, जो अभी भी जेल में है, उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोटकर, और उसके बाद जो सुहेल है वो उसका ई रिक्शा वहाँ से ले जाता है। जब इससे सहारनपुर के एक बड़े सराफा कारोबारी के यहाँ शुक्रवार को ईडी की टीम ने छापामारी की। चर्चा है कि ईडी अधिकारी प्रपत्रों के साथ नकदी और आभूषण आदि की जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस कार्रवाई के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शुक्रवार दोपहर के समय प्रवर्तन निदेशालय की टीम महानगर के बड़े सराफा व्यापारी के चच कंपाउंड स्थित आवास पर पहुंची। टीम ने कार्रवाई के दौरान सराफा व्यापारी के आवास के अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। किसी अन्य को अंदर और बाहर नहीं आने दिया गया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सहारनपुर में भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल की जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने घंटाघर चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई और दोषी आरोपियों को सजा देने की मांग की। महिलाओं ने कैंडल हाथ में लेकर डॉक्टर बेटी को न्याय मिले, हत्या के आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाते हुए कैंडल मार्च किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहूँगी अपने जनता से, अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये कैंडिडेट जैसे उर्मिला जी ने कहा, हम भी यही कहते हैं, ये कैंडिडेट बात सिर्फ हमारी बहन, हमारी बेटी की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, लेकिन जो आज हमने ये तलवार खाई है ना, हम एक एक बंदे को जो हमारे साथ गलत नजर डालेगा, हमारे साथ अत्याचार करेगा या हमारे साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, हम उसको इस तलवार से कलम कर देंगे, कलम। ये मेरा वादा है, मैं कहके रख रही हूँ, मेरी सारी बहने, हम इसलिए आज यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आज यहाँ पर अपनी बहनों को इसलिए एकत्रित किया यहाँ पे कि अब
यहाँ पर कोई भी हमारे सहारनपुर या मैं देख लो कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। नानिका जी, आप सारी माताएं